हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 16.1 पर क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि एट व्हाट पॉइंट ऑफ द कर्व वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर डज द टेंजेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। कर्व पे कौन सा पॉइंट होगा जिस पर टेंजेंट खींचेंगे तो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री मेक करेगा। चलिए इसको यहाँ ले लेते हैं कि लेट द पॉइंट ऑन द कर्व बी x1 y1 पॉइंट है उस कर्व पे। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो कर्व दिया है y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर दिया है, तो अगर आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा यहाँ पे dy/dx 2x हो जाएगा। अच्छा dy/dx एट पॉइंट x1 y1 पे क्या होगा 2x1 हो जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि टेंजेंट जो है मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस कितने एंगल मेक कर रहा है 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये जो dy/dx देख रहे हैं पॉइंट x1 y1 पर वह किसके इक्वल हो जाएगा तो tan 45 के, क्योंकि वो 45 डिग्री पर रह रहा है एक्स एक्सिस के साथ। चलिए तो ये है आपका 2x1 और इधर है 10 45 1, यानी कि x1 का वैल्यू आ जाएगा 1/2। अब देखिए हमारे पास ऊपर कर्व जो दिया है उस पॉइंट पर वह किसके इक्वल है y1 इक्वल टू में x1 के स्क्वायर के, यानी कि हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4। देयरफॉर जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वह क्या हो जाएगा 1/2, 1/4, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू 3x² - 9x + 8 एट विच द टेंजेंट आर इक्वली इंक्लाइंड विद द x एक्सिस। इक्वली इंक्लाइंड कब होता है जब वह 45 डिग्री का एंगल बनाएगा या फिर 135 डिग्री का भी एंगल बनाएगा तो हो सकता है ना जी, एक्सिस के साथ, है ना। समझ लीजिए अगर एक्सिस के साथ अगर यहाँ पे 45 डिग्री का भी एंगल बनाएगा तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड होगा, और 135 डिग्री का भी एंगल बनाएगा तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ ये इक्वली इंक्लाइंड हो सकता है। तो दोनों केस में हो सकता है, यानी कि थीटा जो एंगल होगा इक्वली इंक्लाइंड में आपका 45 और 135, यानी कि उसका स्लोप, उसका टेंजेंट का जो स्लोप होगा वह प्लस का 1 और -1 भी, क्योंकि tan 45 1 हो जाता है और tan 135 माइनस का 1 होता है। इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं लेट द पॉइंट ऑन द कर्व बी x1 y1। हमारे पास देखिए कर्व दिया हुआ है उसका इक्वेशन y इक्वल टू में 3x² - 9x + 8। चलिए अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू, यहाँ से dy/dx क्या आ जाएगा 6x - 9 एट x1 y1 पर dy/dx क्या हो जाएगा। चाहे इसके बेस में भी ऐसे लिख सकते थे x1 y1 6 × x1 है ना माइनस का 9 यही होगा। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो टेंजेंट है टेंजेंट आर इक्वली इंक्लाइंड इंक्लाइंड विथ द एक्सिस, ठीक है। तो एक्सिस यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो dy/dx होगा x1 y1 और किसके इक्वल हो सकता है 1 और -1, क्योंकि यहाँ जो एंगल मैक्स होगा वह 45 और 135 डिग्री। क्लास 11 में आप पढ़े हैं इक्वली इंक्लाइंड होता है तो 1 या -1 उसका टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा। जैसे 6x1 - 9 = 1 और दूसरा हो जाएगा 6x1 - 9 = -1। चलिए 6x1 = 1 + 9 यानी कि 6x1 = 10, x1 = आ जाएगा 10/6 3 और यहाँ 5 5/3 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 6x1 = -1 + 9 6x1 = 8 यानी कि हो जाएगा x1 = 8/6 कट जाएगा 3 यहाँ 4 4/3 हो जाएगा।
तो अब y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ऊपर जो है आपका y1 इक्वल टू में क्या है, y1 इक्वल टू में है आपके पास 3x1 का स्क्वायर माइनस का 9x1 प्लस 8। ये आपके पास कर्व दिया है, कर्व पे हमने पॉइंट ले लिया है, ठीक है, x1 y1 उस पे। तो x1 की जगह पे यहाँ पे रखेंगे 3 इंटू में 5 बाई 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू में 5 बाई 3 और प्लस का 8। चलिए ये किस पे देखा है, एट x1 इक्वल टू 5 बाई 3 पर 3 इंटू में 25 बाई 9, ये हम लोग काट सकते हैं 15 और प्लस का 8, ये 3 टाइम्स में, तो 25 बाई 3 और माइनस का 7, 25 माइनस का 21, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 बाई 3। चलिए देखते हैं एट x1 इक्वल टू में 4 बाई 3 पर y1 क्या हो जाएगा, 3 इंटू में 4 बाई 3 स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर माइनस 9 इंटू में 4 बाई 3 और प्लस का 8, ये 3 3 जा 9। अब देखिए यहाँ 3 इंटू में 16 बाई 9 माइनस का 12 और प्लस का 8। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, इसे ये 3 टाइम्स में एलसीएम हो पर लिख देते हैं 16 बाई 3 और माइनस का 4, 16 और माइनस का 12, यहाँ भी 4 बाई 3 ही आ जाएगा, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं जो रिक्वायर्ड पॉइंट है, रिक्वायर्ड पॉइंट्स वो कौन कौन से हो जाएंगे, तो 5 बाई 3 रखे थे x1, तो y1 आया है आपका 4 बाई 3, एंड दूसरा देखिए x1 रखे हैं 4 बाई 3 तो y1 भी आया है 4 बाई 3 ही, ठीक है, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एट व्हाट पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज द टेंजेंट पैरेलल टू द लाइन y इक्वल टू 3x प्लस 1। अब ले लेते हैं कि लेट द पॉइंट ऑन द कर्व बी x1 y1, ठीक है। अच्छा हमारे पास यहाँ कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू में 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। चलिए अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से dy वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 4x माइनस का 1, 4x माइनस का 1 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए आपके पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो टेन, पहले इस पर देख लेते हैं dy वाई बाई डी एक्स x1 y1 पे क्या होता है, उस पॉइंट पे 4x1 माइनस का 1, टेंजेंट पैरेलल टू किसके पैरेलल है जी, पैरेलल टू द लाइन y इक्वल टू में 3x प्लस का 4। तो इसका स्लोप है यहाँ पे 3 है, इंटरसेप्ट फॉर्म में है, तो यहां से हो जाएगा 4x1 माइनस 1 इक्वल टू में 3, ठीक है। चलिए ये चला जाएगा प्लस में, तो 4x1 इक्वल टू में 4, ये जगह डिवाइड में तो 1 आ जाएगा। अब ऊपर दे y1 इक्वल टू में क्या है, 2x1 का स्क्वायर माइनस का x1 प्लस 1, तो आ जाएगा 2 इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, ये कैंसिल यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है। अब इसके बाद देखिए देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट जो होगा, रिक्वायर्ड पॉइंट x1 y1 यानी कि हो जाएगा 1,2, समझ गए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4 एट विच द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्लोप, परपेंडिकुलर टू द लाइन हुज स्लोप इज माइनस 1 बाई 6। अच्छा देखिए तो यानी कि अगर टेंजेंट और इसके स्लोप के प्रोडक्ट की बात करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, माइनस 1 के, क्योंकि परपेंडिकुलर है उस पर। चलिए हम लोग क्या करते हैं, लेट द पॉइंट, पॉइंट ना हमें निकालना है, ऑन द कर्व, ऑन द कर्व बी एक्स वन वाई वन, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हमारे पास जो कर्व दिया है y इक्वल टू में 3x स्क्वायर प्लस 4, इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं पहले, तो यहाँ से आपका dy वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, आ जाएगा यहाँ पर 6x, ठीक है। अब देखिए एट x1 y1 पे क्या होगा, उसी में लिख देते हैं यहीं पे dy वाई बाई डी एक्स एट x1 y1, जो पॉइंट है कर्व पे उस पे,
सिक्स एक्स वन हो जाएगा। आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन हुज स्लोप इज -1/6। इस लाइन पे परपेंडिकुलर है जिसका स्लोप -1/6 है, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल हो जाएगा। 6x1 इंटू -1/6 इक्वल टू में -1, ये -1 हो जाएगा, डिवाइड करके x1 का वैल्यू 1 आ जाएगा। x1 क्या आ गया, 1 आ गया। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या होगा। आपके पास ऊपर जो था क्या दिया है, आपके पास ऊपर क्या दिया हुआ है, y1 इक्वल टू में कर्व में 3x1 का स्क्वायर प्लस 4 है। तो यहाँ y1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, x1 इक्वल टू 1 पे 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 7 आ जाएगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट जो होगा, रिक्वायर्ड पॉइंट उस कर्व पे क्या हो जाएगा, 1,7 हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व x² + y² = 13, द टेंजेंट एट ईच वन ऑफ विच इज पैरेलल टू द लाइन दिस। अच्छा, पैरेलल है टेंजेंट इस लाइन के, तो चलिए देखते हैं। इसके बाद हम लेते हैं, लेट द पॉइंट ऑन द कर्व बी x1 y1। ठीक है, x1 y1 जो है कर्व पे आपके पॉइंट है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं। हमारे पास कर्व क्या दिया है, x² + y² = 13। चलिए अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो 2x + 2y dy/dx = 0। तो यहाँ से dy/dx क्या होगा, तो ये देखो माइनस का 2x हो जाएगा, इधर आएगा डिवाइड में माइनस का 2y, 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ से dy/dx क्या हो जाएगा, -x/y। तो अब यहाँ पर अगर dy/dx हमें निकालना हो उस पॉइंट x1 y1 पे, तो माइनस का x1 y1 हो जाएगा। अब आपके पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दिया हुआ है कि जो टेंजेंट है, टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन 2x + 3y = 7। तो टेंजेंट इसके स्लोप के इक्वल हो जाए, टेंजेंट का स्लोप इसके स्लोप के इक्वल हो जाएगा। यहाँ देखिए 3y = में माइनस का 2x + 7 हो जाएगा, यानी कि y = में आ जाएगा -2/3x + 7/3। तो ये आपका y = mx + c के फॉर्म में चेंज कर दिया, तो ये आपका स्लोप होगा। देयरफॉर माइनस का x1 y1 = में हो जाएगा -2/3। ठीक है, माइनस माइनस का कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप चाहो तो x1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2/3 y1। इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। आपके पास जो कर्व दिया है उसके अकॉर्डिंग x1² + y1² = 13 है। चलिए अब इसमें रखते हैं, तो x1 की जगह 2/3 y1 रख देते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और फिर यहाँ y1² = 13। यहाँ पर देखिए 4/9 y1² + y1² = 13। एलसीएम ले लेते हैं 9, तो 4y² + 9y² = 13। देखिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, क्या हो जाएगा, 13y1² / 9 = 13। यानी यहाँ पे y1² = 13 × 9 और y में 13, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे y1 = आ जाएगा +√9, यानी कि +-3। अब देखिए हमारे पास ऊपर जो आया है इक्वेशन फर्स्ट, वो क्या था, x1 जो था इक्वल था 2/3 y1 के, इक्वेशन फर्स्ट है। तो y1 = अगर मान लीजिए प्लस का 3 रखते हैं, तो x1 का वैल्यू 2/3 × 3, 3 से 3 कैंसिल 2 आ जाएगा। अच्छा, अगर y1 का वैल्यू माइनस का 3 रखते हैं, तो x1 = आ जाएगा 2/3, और यहाँ पर आ जाएगा आपका -3, ये भी कैंसिल, -2 आ जाएगा। तो जो हमें रिक्वायर्ड पॉइंट चाहिए थे वो आ गए। देयरफॉर जो रिक्वायर्ड पॉइंट वह क्या हो गया था, x1 आया है आपका 2y1 3, एंड रिक्वायर्ड पॉइंट दूसरा हो जाएगा आपका -2 -3। ठीक है,
समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व 2a² y = x³ - 3ax² वेयर द टेंजेंट इज इक्वल टू x एक्सिस। तो हम लोग ले लेते हैं कि लेट द पॉइंट ऑन द कर्व बी x1 y1 जो है उस कर्व पे एक पॉइंट है। देखिए हमारे पास जो कर्व दिया है 2a² y = x³ - 3ax², चलिए अभी से पहले डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो 2a² dy/dx = 3a² - यह हो जाएगा 6ax। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, हम लोग dy/dx यहाँ लिख सकते हैं, 3 कॉमन कर लेते हैं ऊपर, x² - 2ax। अच्छा एक एक्स भी कॉमन कर सकते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, एक एक्स भी कॉमन कर लेते हैं ठीक रहेगा इस तरह से, ठीक है बार बार कॉमन नहीं करना पड़ेगा, 3x कॉमन कर लेते हैं। तो 3x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा x और माइनस का यहाँ पर बच जाएगा 2a और y में 2a² अब देखते हैं dy/dx एट x1 y1 पे क्या होता है, जो कर्व पे पॉइंट है उस पर। 3x1 × x1 - 2a / 2a². अब आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो जब एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ये जो dy/dx देख रहे हैं x1 y1 पे, वो कितने किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। एक्स एक्सिस के पैरेलल तो ये ना हो जाएगा, यानी हो जाएगा 3x1 × x1 - a1/2a² = 0। ये जाके ये 0 हो जाएगा, 3x1 × x1 - 2a = 0। यहाँ से 3x1 = 0 और x1 - 2a = 0। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ x1 0/3 0 हो जाएगा और यहाँ x1 2a हो जाएगा। अब हमारे पास ऊपर देखिए y1 क्या है, 2a² y1 = था आपका x1³ और माइनस का 3ax² यही ना था जी, आपके कर्व के अकॉर्डिंग x1 y1 पे रखेंगे तो। चलिए एट x1 = 0 तो हो जाएगा 2a² y1 = 0³ - 3a × 0² ये सब 0 हो जाएंगे, ये जाएगा डिवाइड में तो 0/2a² 0 ही आ जाएगा। एट दूसरा पॉइंट है x1 = 2a पर देखते हैं, 2a² y1 = आपका 2a³ - 3a × a² ठीक है, 2a² y1 = 8a³ - यहाँ 4 12 हो जाएगा ना, यहाँ आपका 2l आ जाएगा है कि नहीं, 2l a³ यानी 2a² y1 = -4a³ ये जाएगा डिवाइड में, तो y1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, -4a³ और y में 2a² ये कट जाएगा यहाँ से 2a माइनस का, y1 क्या आ गया -2a। तो हमें जो पॉइंट चाहिए था वो तो मिल ही गया, देयरफॉर जो रिक्वायर्ड पॉइंट चाहिए था, रिक्वायर्ड पॉइंट्स वो क्या हमें, तो एक तो हो जाएगा आपका 0 0 और दूसरा हो जाएगा 2a और माइनस का 2a। समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एट व्हाट पॉइंट ऑन द कर्व y = x²-4x+5 इज द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन इज इतना। अच्छा परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा है ना जी। चलिए तो ले लेते हैं यहाँ पे, लेट द पॉइंट ऑन द कर्व बी x1 y1 ठीक है, हमारे पास यहाँ पे कर्व दिया है y = x²-4x+5। चलिए तो अब इसे डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से dy/dx क्या जाएगा 2x - 4 है ना। चलिए ये dy/dx x1 y1 पे क्या होगा, तो ये आ जाएगा आपका 2x1 - 4। क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि टेंजेंट जो है
टेंजेंट इज परपेंडिकुलर 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 टू द लाइन टू द लाइन किस लाइन पे जी? 2y + x = 7। देखो यहाँ y इक्वल टू क्या जाएगा, देखो इसको इधर ले जाएंगे -x + 7 और ये डिवाइड में जाएगा, या एक काम करो अगले स्टेप में ले जाते हैं, y इक्वल टू में हो जाएगा -1/2x + 7/2, है ना। तो ये इस टेंजेंट का जो टेंजेंट जो है परपेंडिकुलर है इस लाइन पे, तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 ना हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 2x1 - 4 इंटू में -1/2 = -1। चलिए अब अगले स्टेप में यहाँ पर देखते हैं, जैसे 2 कॉमन कर लो, x1 - 2 और इंटू में -1/2 = -1। ये 2 से 2 कैंसिल, ये देखिए ये माइनस से माइनस भी हट जाएगा यहाँ, ठीक है। तो x1 - 2 = 1 यानी x1 2 जाकर उधर ऐड हो जाएगा, 3 आ जाएगा, x1 3 आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए x1 3 आ गया, ऊपर आपके पास जो कर्व दिया हुआ है उसमें इसके अकॉर्डिंग y1 = में हो जाएगा यहाँ पे x1² - 4x1+5। तो एट x1 = 3 पर क्या हो जाएगा y1? 3² - 4 × 3+5, है ना। तो यहाँ पे 9 - 2 + 5, ठीक है। तो ये 14 में से 12 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपका 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड पॉइंट हमारा नहीं मिल गया जी, यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट जो होगा वह क्या हो जाएगा, एक्स का है आपका x1 3 है और y1 2 है, 3, 2। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व दिस x² / 4 + y² / 25 = 1 एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस और फिर कह रहा है वाई एक्सिस। यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट द पॉइंट ऑन द कर्व बी x1 y1 पॉइंट है, ठीक है। अच्छा हमारे पास कर्व दिया है x² / 4 + y² / 25 = 1। चलिए अब हम लोग इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, 2x/4 + 2y/25 · dy/dx = 0। अब देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, इसे हम लोग काट देते हैं 2 to the 4। यहाँ देखिए dy/dx और इंटू में है 2y/25 = इधर माइनस का x/2, यहाँ से dy/dx क्या हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा या नीचे आ जाएगा, माइनस का 25x और ये आ जाएगा नीचे 4y, ठीक है। अब देखिए अब देखते हैं एट x1 y1 पॉइंट पे क्या होगा dy/dx, ठीक है। x1 y1 कर्व पे जो पॉइंट है उस पर माइनस का 25x1 और y में 4y1, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये टेंजेंट जो है ना टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो -25x1/4y1 = 0 हो जाएगा, -25x1 = 0 यानी कि x1 का वैल्यू यहाँ से 0 आ जाएगा। देन अब देखिए ऊपर जो कर्व था x1² / 4 y1² / 25 = 1 था, तो यहाँ पर एट x1 = 0 पर क्या हो जाएगा, 0² / 4 + y1² / 25 = 0, ये 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से y1² = 25 y1 = ±5 आ जाएगा, देयरफोर रिक्वायर्ड पॉइंट फर्स्ट नंबर के लिए वह 0, ±5, और ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0, 5 and 0, -5, ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरे वाले के लिए देखिए, दूसरे में क्या कर रहा है कि टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के लिए कहेगा तो क्या हो जाएगा, इसका -25x1
बाई में 4y1=1/0, y एक्सिस के पैरेलल है तो 1/0 ना हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना, क्योंकि tan 90 1/0 होता है, नॉन डिफाइंड होता है ना। चलिए सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 4y1=0 यानी y1=0/4 यानी 0 हो जाएगा। आपके पास ऊपर कर्व दिया है, x1 का स्क्वायर बाई 4 y1 का स्क्वायर बाई 25=1 एट y1=0 पर देखिए क्या होता है, क्या जाएगा, x1 का स्क्वायर बाई 4 + 0 का स्क्वायर बाई 25=1, ये तो 0 हो जाएगा, बच जाएगा x1 का स्क्वायर बाई 4=1, तो x1 का स्क्वायर = 4 आ जाएगा, x1 = आ जाएगा +-2, तो यहाँ रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, therefore रिक्वायर्ड पॉइंट जो चाहिए था वो रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, +-2 and 0। और ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 0 और दूसरा हो जाएगा यहाँ पर -2 0, एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला, समझ गए। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर और तीसरा चैनल है रविकांत सर आर डी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस पर आपको लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।